गणतंत्र दिवस पर किसानों के समर्थन में मुरादाबाद के रफातपुर में सपाइयों ने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए तहसील पर आने की कोशिश की। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर गांव में मार्च किया, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी के चलते सपाइयों के तहसील जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। तहसीलदार ट्रैक्टर रैली की बात को लेकर सपा पदाधिकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये के चलते सारी कोशिशें नाकाम हो गयी। जिलाध्यक्ष से गाँव के बाहरी ज्ञापन लेकर उनको वापस कर दिया गया। जयवीर सिंह यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुरादाबाद। आज समाजवादी की रैली निकलनी थी, ट्रैक्टर रैली, यहाँ क्या रहा? आज समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आह्वान किया था, उसी के तहत हम समाजवादी पार्टी के सभी साथी और ट्रैक्टर रैली, जो किसान रैली हमारी है, उसको तिरंगा झंडा लगाकर हम तहसील तक जा रहे थे। पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा मुरादाबाद प्रशासन ने पुलिस फोर्स लगा रखा, PSC की गाड़ी लगा रखी है, हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। सुबह से हम लोग यही संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम किसान हैं, किसानों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया जाए, पर हम लोगों को ये प्रशासन हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है और आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तमाम फोर्स ही फोर्स चारों तरफ से घेरा हुआ, तमाम हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी के साथ हैं, किसान लोग साथ हैं और ट्रैक्टर कम से कम 70-80 ट्रैक्टर हमारे पीछे हैं, पर ये यहाँ का प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी हनन करा जा रहा है, दबाया जा रहा है। अगर हम कोई आपराधिक हमारे साथ नहीं, सब हम शांतिपूर्ण तरीके से किसान लोग हैं, किसान अपनी बात को रखने जा रहा है। अपनी जो देश के अंदर काला कानून इन्होंने भाजपा की सरकार में 3 काले कानून पास किए, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी साथी हम आज इकट्ठा होकर किसान तिरंगा रैली के नाम से हमारा यह कार्यक्रम था, पर उसको हमें जाने नहीं दे रहे। तहसील में जाना था हम लोगों को, तहसील तक जाने नहीं दे रहे। इतना प्रशासन ने अपना, देख रहे हैं आप क्या हालत। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा, आज जैसे आपको जानकारी है तो दिल्ली में आज किसान जिलों के विरोध में किसान भाइयों के द्वारा अपने एक रैली निकाली गई है, ट्रैक्टर रैली, जहाँ समाजवादी पार्टी के आह्वान पर उनके जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने भी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। लेकिन जैसे दिल्ली में किसान भाइयों के द्वारा सरकार से विधिवत तरीके से अनुमति ली और विधिवत तरीके से उसका रोड में निर्धारित किया और पुलिस प्रशासन अपने किसान भाइयों की सुरक्षा में रहा, कैद रहा, इस प्रकार की अनुमति यहाँ नहीं ली गई। और ये स्पष्ट यदि स्थिति है कि यदि अगर कोई अनुमति नहीं लेता है तो इस प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे जाती, इसी कारण हम लोग यहाँ उपस्थित थे और इनसे जो है उन्होंने विधि व्यवस्था के संबंध में इन्हें बताया गया और इनसे कहा गया कि आप जो है इससे आगे भी जो है कहीं नहीं जा सकते। यही कारण है कि हम लोगों ने इनको जो है विधि व्यवस्था पूर्ण न होने देता। सर क्या रैली इनकी निकाली गई? नहीं, ये तो गाँव है और अपने गाँव में तो यहीं तो इनको शांत कर दिया गया। नहीं, शांत नहीं किया गया, इनको समझा दिया गया, क्योंकि शांत शब्द कहना थोड़ा सा किसान भाइयों के साथ थोड़ा सा अत्याचार होगा, इनको समझा दिया गया और समझ लिया गया। इसके द्वारा इतनी समझदारी दिखाई गई कि लोग अपने बात इन किसान भाइयों के समर्थन समझा देंगे और अपना आंदोलन समाप्त। थैंक यू।